भैया बाकी पौधे सही है हमारे? बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जाटों में कंडे कहते हैं। लाइटर ले, लाइटर दूसरा वाला। क्या हुआ, फूकनी मिल गई? अलग तरीके से बनता है, पूरा पसीना पसीन हो रहा है लड़का। ये ले पायल, पायल ने भी टेस्ट करा है। पायल, मेरी हर एक रोटी ना बहुत अच्छे से सिक रही है, पर हम लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही। पायल अभी यम टेस्ट कर रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल ये होने वाला है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने चूल्हे पे खाना बनाओ, चूल्हे पे खाना बनाओ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चूल्हे पे खाना। सबसे पहले बनेगा सूजी का हलवा, उसके बाद बनेगी सब्जी रोटी, और मम्मी पापा भी आने वाले हैं तो चूल्हे का खाना खिलाती हूँ। और पायल, आज ही चूल्हा हमारा स्टार्ट हो रहा है, आज ही पापा मम्मी आ रहे लंच पे। हाँ, तो मैं फटाफट जाती हूँ, ऊपर तैयारी करती हूँ सारी। तो नीचे का देखती हूँ, ऊपर का देखती हूँ। ठीक है। तो सुबह उठते ही ना सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हम गॉगल्स पहनते हैं ना वो सारे लगा दिए यहाँ पर, जो नहीं पहनते वो कभी कभी पहनते हैं वो लगा दिए ऊपर। तो यहाँ पर ना हमने सुबह सुबह भैया को बुला लिया, अपने जितने भी पौधे ना ठीक करवा रहे हैं, ये स्पेशली ये वाला। भैया इस पौधे को क्या हुआ, टमाटर वाले को? हमारे पानी से हो गया ये। पानी ज्यादा से? भैया बाकी पौधे सही है हमारे? हाँ, बाकी पौधे सही है, दवाई डलेगी। तो यहाँ पर ना हमारे भैया ने मार ली मेथी, धनिया, पालक, जो हमारी तीनों चीजें थी ना वो काट के रख दी है। तो गाइज, आज ना मैं आप लोगों को एक एडवाइस देती हूँ। एडवाइस ये है कि आप लोगों को भी ना अपनी मर्जी से इंटीरियर लेना चाहिए। मतलब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, हमने सारा सामान ना एक जगह से उठा लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको घर का इंटीरियर लेना है ना तो होम सेंटर जाओ या कोई और शॉप पे जाओ, वहाँ जाके खुद से लो, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ना चीकू के पापा को फ्रूट्स दिए थे, तो सोचा ये थोड़े से बच गए, मैं खा लेती हूँ। खाएगी पल? तो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे घी, चीनी और सूजी ले ली है। ड्राई फ्रूट्स भी लेने पड़ेंगे क्योंकि बनवा रहे हलवा ऊपर, तो हलवा बना के फिर हलवा खा के फिर बनाएंगे रोटी सब्जी। तो यहाँ पे मेरी जो है दवाई का टाइम भी हो गया, तो दवाई खा लेते हैं फटाफट, फिर चलते हैं ऊपर। तो यहाँ गोलू भी अपनी दवाइयाँ निकाल चुके हैं, ये भी दवाइयाँ खा के फिर मेरे साथ ऊपर चल रही है। तो गाइज, मेरा जो चूल्हा है ना वो थोड़ा सा चटक गया, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सबसे गा से चटका पड़ा है। बिकॉज ऑफ इसमें ना भूस नहीं है, भूस मतलब तूड़ी नहीं है, तो गेहूं की तूड़ी निकलती है ना जो भैंस खाती है वो नहीं है, उसकी वजह से ना ये जो है चटक गया है। और फिलहाल चलो कोई बात नहीं, अभी हम काम चला लेते हैं, फिर इसके बाद ना पीली मिट्टी ला के मैं इसे फिर से पोतूंगी। चूल्हा उठाने वाला होता है ना, अगली बार वो बनाऊंगी ताकि बारिश वारिश भी आए ना तो मैं उठा के उसे शेड के नीचे रख सकूँ ताकि वो गीला ना हो। तो मैंने चूल्हे के लिए स्पेशल कढ़ाई मंगाई है लोहे की, और कहते हैं लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाना चाहिए, अच्छा होता है। और मैंने तवा भी मंगाया लोहे का और चिमटा भी मंगाया। चिमटा जो है ना वो बहुत पतला आया है, चिमटा ना बहुत पतला वाला और लंबा इतना ज्यादा आया है। ये कह रहे हैं कि भाभी आग को ना सीधा विधा करने में सही रहेगा, आपका हाथ नहीं जलेगा, तो इसलिए इतना लंबा वाला लेके आए हैं। तो सबसे पहले गाइज, मैंने ये जो कंडे ना, ये कंडे हमारे यहाँ उपले कहते हैं, इसे गुजरों में उपले कहते हैं, जाटों में कंडे कहते हैं, यहाँ थेपड़ी भी कहते हैं, अब पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं इसे। कंडे मंगा लिए, नीचे है मेरे पास एक कपड़े वाली थैली, इसी से जो मैं आग जला लेती हूँ पहले। एक बार भी तो नहीं होगी गाइज, क्योंकि हवा चल रही है ना। लाइटर ले, लाइटर दूसरा वाला। तो गाइज दिख रहे होंगे बाल पाल के उड़ते उड़ते। तो पाल, गांव में हवा चलती, गांव में ये जलती है? गांव में बहुत सारी चीजें होती है जलाने के लिए, हमारे पास नहीं है। हो जाएगा हो जाएगा, देखो गाइस मैं पास से दिखाती हूं। पतली पतली लकड़ियां होती है ना वो खेत से लेके। हाँ, जल गई जल गई। तो गणपति बाप्पा ओरिया, मंगल मूर्ति ओरिया। पायल तू आराम कर ले, मैं कर देती हूँ। है, मेरे को भी करना है। आग बड़ी मुश्किल से जली है, पता लगे फिर से जल्दी उड़ पड़ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे लग रहा है आंख बंद करके बात कर रही है। तो गाइज मैं ऐसे शॉट ले रही थी, एक आंख खोल के एक आंख बंद करके। तो गाइज अभी अभी ना शांति का आइडिया देके गई कि ना दीदी थर्माकोल डाल दो, उससे बहुत जल्दी आग पकड़ती है। गाइज हमारे पास फूकनी नहीं है, देखो मैंने ऐसे जलाई आग, देखो कितनी पहले जली। हाँ, क्या हुआ, फूकनी मिल गई? वाह, इतनी बड़ी फूकनी। तो यहाँ पे ना हमारा घी कढ़ाई में डल चुका है और आग इतनी प्यारी हो रही है ना भाई, जैसे ये सही है कि सिलेंडर ना हो तो है। हाँ, बिल्कुल नेचुरल ऊपर बना है ना, पर यहाँ पे तो वो दिक्कत ही नहीं ना सिलेंडर वाली। हाँ, यहाँ पे तो हमारी गैस पाइपलाइन है। अच्छा, पायल इसको सिम कैसे करेंगे? जैसे हमें ज्यादा आग नहीं चाहिए ना। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड कर देंगे। अच्छा, कंडे जो है तो सिम ऐसे होती है, और ऑन ज्यादा हाई करनी हो, ज्यादा हाई करनी तो और उपले डाल दो। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो है सूजी डाल दी अपनी, और सूजी को मैं चला देती हूँ, पहले सूजी हल्की ब्राउन होगी, उसके बाद जो है मैं इसमें वो डालूंगी चीनी। पायल, इसका टेस्ट सच में डिफरेंट होगा, ऐसा क्यों होता है? गैस तो गैस होती है पर चूल्हे के खाने के टेस्ट अलग होता है। तो गाइज ये वाला जो टेंट है ना, इसमें हमारा कंबल अभी भी रखा हुआ है, देखो दिख रहा होगा पिंक कलर का। तो कल रात को हम सबने ऊपर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, इतना मजा आया ना, बहुत मजा आया। अब क्या सर्दी आने वाली है, ऊपर ही बैठा करेंगे। तो गोलू जो है वो मेरी ज्यादा मेहनत तो नहीं कर सकती है, पर इतनी मेहनत कर सकती है कि वो ना यहाँ पे काजू और बादाम जो है वो काट के छोटे छोटे पीस कर रही है हलवे में डालने के लिए। तो यहाँ मैंने अपने हलवे में डाल दिया पानी, पानी के बिना हलवा नहीं बनता है। गैस पे जो बनता है वो अलग तरीके से बनता है, और चूल्हे पे जो बनता है वो अलग तरीके से बनता है। तो गाइज जब हम
गैस पे बनाते हैं ना हलवा, तो हम क्या करते हैं चीनी की चाशनी बना लेते हैं, फिर उसको डालते हैं हलवे में। पर यहाँ पे ना हमारे पास इतने मतलब बर्तन नहीं है कि पहले चीनी की चाशनी बनाऊं फिर हलवा बनाऊं, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है अभी पानी, थोड़ा पानी में खदका आ जाएगा, एक मतलब उबाला आ जाएगा, उसके बाद मैं डालूंगी चीनी और ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैंने अभी अभी गोलू को दिया ट्रेनिंग, मैंने कहा मैंने गोसे डाल दिए अंदर, अब तू फूकनी मार और आंच तेज कर दे ताकि हलवा जल्दी बन जाए तो हम सब्जी बना सके। तो गोलू ने जो ट्रेनिंग ली है ना मुझसे, बहुत अच्छे से ली है, बहुत अच्छी फूक मार रही है वो फूकनी से। हमारे ना चूल्हे में एक दिक्कत आ रही है, इस साइड ना बहुत गैप है, तो आग जो है ना आग बाहर जा रही है, हलवा जो है बहुत लेट बन रहा है, तो मैं अभी इसको ना बनने के बाद ठीक करूंगी, यहाँ पे मिट्टी लगाऊंगी। और तो मेरा बेटा आ गया ऊपर से खेल, नीचे से खेल के ऊपर, पूरा पसीना पसीन हो रहा है लड़का। पर चीकू एक बात पूछू, इतना हैंडसम बन के कौन खेलता है? घर के कपड़े पहन के खेलते हैं, तो जींस शर्ट ऐसे लग रहा था पार्टी में जा रहे हो, दिखाना शक्ल, बहुत ही क्यूटी पाई लग रहे हो। तो यहाँ पर ना गाइस हमारा हलवा बन गया, सारी की सारी सब्जियों की तैयारी हो गई है, ये रहे आलू, ये रही मिक्स वेज, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, सब कुछ ही रहा, कढ़ाई रख दी है। और आज का जो खाना है ना, ये बनने वाला है सरसों के तेल में, है पाल? तो सुबह सुबह ये ना हमने पूरी बोरी भर के उपला मंगवा लिया था, पाल एक ही नफ है गिले पाल। तो यहाँ पे ना हम लोग लकड़ियाँ लेकर आए हैं ताकि चूल्हे पे जल्दी आग लग जाए। तो गाइस यहाँ पे ना हमारी जो आग है ना काफी ज्यादा तेज हो गई है, पाल बहुत जल्दी जल्दी खाना बन रहा है, बहुत जल्दी। तो यहाँ पर ना पायल जूड़ा बांध रही है ताकि बाल ना जल जाए, मैंने तो अपने छोटे से बाल पहले बांध लिए। चीकू लगी तो नहीं, कैसे गिर जाते हो बेटा लेटे लेटे, रोलो आप, रोली पोली हो। जो हमारा मसाला है ना सच में बड़ा प्यारा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है एकदम, जैसे नीचे बनाते हैं पायल उससे डिफरेंट है ये। चीकू आज ऊपर छत पे चौकोस और दूध, क्या बात है, मैं खिला दूं ना? मैं खिलाऊंगी मेरी बेटी को। तो गाइस हमारे हलवे को भोग लग गया और मैंने टेस्ट करा, सच में बहुत टेस्टी है, पाल ने भी टेस्ट करा है, पाल अच्छा बना है। तो गाइस यहाँ हमारा तवा चढ़ चुका है, सब्जी बन गई है, अब गोलू मेरी हेल्प कर रही है रोटी बेलने में। तो पाले बात पूछू, जैसे इसमें हमें रोटी अचानक से नीचे से, ये तो ऐसे नहीं होता कभी रोटी बिल्कुल काली हो जाए, ऐसा होता है? नहीं देख, जब भी रोटी हम चूल्हे पे बनाते हैं तो हाथ से बढ़ाने से रोटी बहुत टेस्टी बनती है। रोटी हमारी डल चुकी है, बस तवा गर्म हो जाए फटाफट। तो गाइस यहाँ पे सच में रोटी बड़ी गोल गोल हो गई है, फूल गई है। तो अभी हमने ना नीचे से डब्बा मंगाया रोटी का, क्योंकि रोटी का डब्बा भी ऊपर नहीं था। ये कितनी प्यारी बनी है रोटी, देखियो फूली कितनी अच्छी है, है ना? मेरी हर एक रोटी ना बहुत अच्छे से सिक रही है इस पे। तो यहाँ पे ना पाल ने राख में पानी डाल दिया ताकि वो जो राख है वो उड़े ना, मेरे को भी अभी पता चला। तो यहाँ पे ना हमारा रायता भी आ गया, सब्जी भी बन गई है, रोटियाँ भी बन गई है, सारा काम हो गया। आज सच में खाना बहुत टेस्टी बना है। गोलू कैसा बना है? चीकू खाना कैसा बना है? आलू दो और ये दो। कैसा लगा आपको खाना? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे नितिन भैया ने भी शुरू कर लिया है, नितिन भैया ने पहली बाइट खाई है। भैया ऊपर ही बनाओ ना, मैं रोज अब खाना ऊपर ही बनाऊंगी। भैया एक बाइट खाओ और बताओ। खा लिया उसने, अलग ही टेस्ट है ना, मसाले को टेस्ट करो दोबारा, मसाले को सिर्फ। तो खाना वाना हो गया डन एकदम, बर्तन लेके जा रही हूँ नीचे क्योंकि ऊपर नहीं धो रहे, ऊपर बड़ी वाली जो कढ़ाई से वही धोई थी हमने, ताकि बर्तन नीचे धोएंगे। तो गाइस मम्मी पापा बस आने वाले हैं, मैंने भी शावर ले लिया, गोलू गई है शावर लेने, फिर जाते हैं वापस छत पे, तो देख धूप सेकेंगे, तब तक चीकू के पापा भी आ जाएंगे, फिर सारे मिलके ऊपर बैठ के खाना खाएंगे। मैं हमने तो खा लिया है, मम्मी पापा और चीकू के पापा। तो गाइस यहाँ पे पापा मम्मी आ गए हैं और हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, मतलब ये लगा लो 2 से 3 घंटे हो गए हैं, शाम हो गई है, चाय भी पी ली, नाश्ता भी कर लिया, पर हम लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही। चले गए सोने, हमने कहा हम इस रूम में बैठ जाते हैं। हाँ तो हम सारे चारों बैठ के बातें कर रहे हैं और अभी मम्मी को घर का होम टूर भी देना है जो मैंने नहीं दिया। तो गाइज मम्मी ना बहुत ही टेस्टी अचार बना के लाई है और इसकी रेसिपी मम्मी ने हमें भी सिखाई थी, पर हमसे ऐसा नहीं बन पाता इसलिए मम्मी 2 डब्बे में भर के लाई है और मम्मी को इसके ना 10 रुपए दे देंगे क्योंकि अचार ना ऐसे नहीं लेते। हाँ तो इसके 10 रुपए दे देंगे गोलू। तो पायल से ना बिल्कुल भी सबर नहीं हुआ मम्मा के हाथ का अचार खाने के लिए, पायल अभी यम टेस्ट कर रही है। घटा घटा कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। मम्मी इसमें सिरका भी डाला है क्या? और आम पे और आम का मसाला। तो आज मुझे और गोलू को जाना था हॉस्पिटल क्योंकि हमें लगने हैं प्रोजेस्टोन, तो बस 1-2 घंटे बाद जाएंगे क्योंकि रात को भी लगवा सकते हैं। तो गाइज मम्मी घर दिल्ली से आई है तो ये अमरूद आए हैं मेरे लिए और जो कि लेके आए हैं पापा। पापा को याद था कि पायल अमरूद खाती है तो रास्ते से पापा ने आते आते मेरे लिए अमरूद लिए हैं। दुकान के बाहर ही खड़े थे भैया तो पापा को देख के याद आ गया। अच्छा तो गाइज हम लोग 9:30 बजे घर से निकले थे, मैं, नितिन भैया, चीफू के पापा, गोलू और मनदीप भैया स्टूडियो गए थे अपना मतलब गाना डब करने के लिए। तो मैंने डब करने की कोशिश की थी तो मेरा फर्स्ट ट्राई था, अच्छा लगा सबको। अब आगे 4-5 बार और करूंगी तो वो निखर के आ जाएगा गाना। तो बस अभी हम घर पहुंच गए हैं क्योंकि जाना चीकू सुबह स्कूल, तो फटाफट अभी जाएंगे। मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, भूख लग रही है। खाना खा के फिर ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने
जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिसने अभी तक कानपुरी असला नहीं देखा है जल्दी जाके नंबर 1 पर कानपुरी असला भी देख लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।